दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी धन जैम गोल्ड के बारे में। कौन कौन सी फसलों में इसका यूज कर सकते हैं, परफेक्ट डोज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, सावधानियां क्या है, कौन कौन सी फसलों की कौन कौन सी अवस्था में इसका यूज करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। दोस्तों धानुका कंपनी के धन जैम गोल्ड, जो कि समुद्री घास से निस्तारित संरचना होती है, सीविड एक्सट्रैक्ट ये होता है। इसके कंटेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है प्रोटीन, एंजाइम, एमिनो एसिड, विटामिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और बिटेन, इन सब का ये कॉम्बिनेशन आता है। तो बहुत ही अच्छा ये टॉनिक होता है प्लांट्स के लिए और फसलों के लिए। इसका बेनिफिट क्या है, फसलों में क्यों यूज करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसके यूज करने से एक तो जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, जिससे कि ज़्यादा पोषक तत्वों का अपटेक कर पाते हैं पौधे, और न्यूट्रिशन के साथ ही पानी को भी अच्छे से अपटेक कर पाते हैं, जल अवशोषण कैपेसिटी अच्छे से बढ़ जाती है, जिससे कि पौधे हरे भरे रहते हैं, पानी की कमी फसलों में देखने को नहीं मिलती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, मिट्टी में सूक्ष्म जैविक गतिविधियों की वृद्धि होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो उस टाइम उस प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति सहन करने की कैपेसिटी ये बढ़ाता है। पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कीटों के प्रति, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इसके यूज करने से बढ़ती है। ये इन्वायरमेंट के लिए, जीवों के लिए सुरक्षित भी है, हार्मफुल ये नहीं है, तो ये भी इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। यानी कि कुल मिलाकर के फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए धन जैम गोल्ड को यूज करना चाहिए। और फसलों की बात करूं कि कौन कौन सी फसलों में इसको यूज में ले सकते हैं, तो सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें, जैसे कि गोभी, मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, लौकी, तोरी, करेला, सब में यूज ले सकते हैं। उसके साथ ही कंद वर्गीय फसलें जैसे लहसुन, प्याज, आलू, गाजर वगैरह, इनमें यूज में ले सकते हैं। उसके साथ ही धान, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली और कपास की अभी खेती कर रहे हैं, तो इनमें भी आपको जरूर यूज करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और प्राइस की बात करूँ तो 250 ml का पैकेट है ये मेरे पास, जिसपे MRP है 303 रुपये, और लगभग ये 250 रुपये के समथिंग मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। प्राइस दोस्तों अप डाउन हो सकती है। अब दोस्तों की फसलों की कौन सी अवस्था में कितनी बार इसको यूज कर सकते हैं और कितनी इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए, तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से गोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आप ये जो 250 ml का बोतल आती है इसको आप यूज कर सकते हैं। 200 से 250 लीटर पानी में मिक्स करें और स्प्रे करें। और बात करें कि इसको कौन सी अवस्था में यूज करना चाहिए, तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, जब रूट डेवलप हो रहे हैं, जड़ों का विकास हो रहा हो, उस टाइम आप यूज कर लें। जड़ों का बहुत अच्छे से विकास होगा तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आपके प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगी, उस टाइम आप यूज कर सकते हैं। फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले सब्जी वर्गीय फसलें जितनी भी हैं, आपको लग रहा है कि अब फ्लोवर्स शुरू होने वाले हैं, उससे जस्ट 5-4 दिन पहले आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावर्स आएंगे, हेल्दी फ्लावर्स आएंगे, और फ्लावर ड्रॉपिंग वगैरह की जो समस्या आती है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से, वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। 15 दिन या 20 दिन के गैप से आप 2 बार एक फसल में इसको यूज कर सकते हैं। गन्ने की बात करूँ तो गन्ने में दोस्तों जब भी 60 दिन की फसल हो जाए तब आप एक बार एक स्प्रे ले लें, और 90 दिन की हो जाए उस टाइम आप इसको एक बार यूज कर लें। मूंगफली में 40 दिन की फसल हो जाए उस टाइम आप इसका एक स्प्रे जरूर कर लें। और कपास में जब कल्ले बन रहे हो, ज्यादा शाखाएं निकल रहे हो पौधे में, उस टाइम आप इसका स्प्रे कर लें, और सेकेंड स्प्रे आप उसके फर्स्ट स्प्रे के 25 दिन बाद में आप सेकंड स्प्रे कर लें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी फसल में देखने को मिलेगा।
कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो इसको किसी भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह है उनके साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं। केवल खरपतवार नाशक के साथ में आप इसको यूज नहीं कर सकते, बाकी एनपीके वगैरह या किसी का भी आप स्प्रे करते हैं उनके साथ में आप मिला करके इसको यूज कर सकते हैं। और सावधानी के तौर पे दोस्तों, बोतल को अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से सेक करेंगे और फिर आप इसका घोल तैयार करके अपनी फसलों में स्प्रे करेंगे। स्प्रे मॉर्निंग या इवनिंग के समय ही करेंगे, दोपहर के समय इसका स्प्रे नहीं करेंगे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।